हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज ये बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चंस है। ये आपका 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, 9th स्टैंडर्ड से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आप इजीली देखोगे तो जल्दी सो देखने में बहुत इजी लगेगा, लेकिन कहाँ ऐसे 80 है, 20, 80 है, फाइंड हो जाएगा एक्स का वैल्यू, बट इट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। बट हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आप देखिए कैसे हम लोग फाइंड करते हैं एक्स का वैल्यू, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप फिगर में देखिए, ये फिगर है मेरा, अब इसको मैं फिर से बनाता हूं, ठीक है। ये मेरा एक्स है, ओके, ये मेरा 20 डिग्री है, और ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल दिया हुआ है। ये मेरा 80 है, तो ये मेरा पूरा एंगल 80 हो जाएगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ये 20 है, ये 80 है, तो हम लोग जानते हैं कि 20, 80, 100, तो ये लेफ्ट एंगल जो एंगल ए हो जाएगा, वो एंगल ए मेरा हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इफ एंगल सी इज 20 डिग्री, फ्रॉम हियर यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दैट एंगल बी इज 80 डिग्री, देन हाउ विल यू फाइंड द एंगल ए, दिस इज 80 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज। नाउ अगर ये 80 डिग्री है, तो आप यहां से एक चीज और निकाल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल बी, अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है, इन दैट केस आप देख सकते हैं कि एसी जो होगा वो बीसी के इक्वल हो जाएगा, यानी ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। अब ये पार्ट दोनों इक्वल हो गया है, ठीक है। अब जो हम लोग थर्ड पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट ये जो है, ये हम लोग सपोज एक पॉइंट हम लोग ई ले लेते हैं, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट ई है। कंस्ट्रक्शन में आप लिखिए कि इसको ऐसा कंस्ट्रक्ट किए कि ये पार्ट और ये पार्ट तीनों इक्वल है, यानी कि ड्रॉ यहां पे लिखेंगे, ड्रॉ ए E इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी विच इज इक्वल टू ऑल्सो बी सी। अब ये जान रहे बी सी तो इक्वल है, लेकिन ये तीनों को हम लोग कंस्ट्रक्ट किए, बी सी की इक्वल हो जाएगा। अब बताइए, जब ये तीनों साइड इक्वल होगा मेरा, अगर ये तीनों साइड इक्वल होता है तो क्या होगा, अब बताइए। अगर किसी भी, हम लोग जानते हैं कि अगर ए सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए हो जाता है, तो तीनों साइड अगर किसी भी ट्रायंगल का इक्वल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, एंड ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट दिस बिकम्स 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा एंगल 60 डिग्री होता है, ये 60, इट आल्सो बिकम्स 60 एंड इट आल्सो बिकम्स 60, बट हियर इट इज गिवन दैट इट इज 20, सो इट बिकम्स 40 डिग्री, ठीक है। ये 40, ये 20 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब एक और कंस्ट्रक्शन इसमें और क्या करना है, ज्वाइन करना है आपको बी और बी ई को। तो बी ई को जब आप ज्वाइन कीजिएगा इन दोनों को, अब आपका आंसर मिल गया, लगभग आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब आपका आंसर कैसे आ गया, ये पूरा एंगल था कितना था, 80 था, तो ये एंगल मेरा निकल के आ जाएगा 20 डिग्री, क्लियर है। अब बताइए, आपका ये एंगल आ गया 20 डिग्री और आपका ये एंगल था 80 डिग्री, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग को जो फाइंड करना है एंगल एक्स का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे वो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये मेरा 40 डिग्री आ गया है, ये 40 डिग्री आ गया है, तो अगर हम लोग सपोज यहाँ पे इसका नाम ऐसे देते, सी है, बी है और ई है। हम कंस्ट्रक्शन में बता चुके हैं कि बी सी जो है ये पार्ट है उसके इक्वल है, तो ये अगर मेरा 40 हो जाएगा, तो 180 में 40 माइनस कीजिएगा तो 140 आएगा, दैट मीन्स ये जो होगा वो मेरा 70 और ये भी मेरा 70, यानी ये एंगल जो होगा वो आपका 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल आपका 70 डिग्री, ये 70, अगर ये 70 ये भी 70 था, ये मेरा 10 डिग्री हो जाएगा। एक एक करके एक एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, ये मेरा 10 डिग्री हो जाएगा। हमको निकालना एक्स है, एक्स कैसे निकालेंगे, आप इसको हो सके तो एक बार कॉपी कर लीजिए, जगह का कमी है तो थोड़ा सा इसको एक बार चला रहा हूं, आप आगे ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई
एंड ट्राइंगल ए, इसका नाम था डी, सॉरी ए डी सी, ए डी सी में चलते हैं, ए बी ई और ए डी सी में अगर हम चलेंगे तो आप देखिएगा बहुत सारा चीज आपको इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू डी सी जो गिवन था, नेक्स्ट है ए ई इज इक्वल टू, ए ई इज इक्वल टू ए सी बाय कंस्ट्रक्शन आप किए थे, ठीक है। और नेक्स्ट है एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल आपका है ए सी डी 20 डिग्री ईच, ठीक है। अब देखिए दोनों 20 डिग्री है तो आप लिख सकते हैं देयर फोर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय एस ए एस क्राइटेरिया। आप देख सकते हैं एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो सीपी सीटी से आप जानते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, क्लियर है। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो इसका होगा इक्वल होगा तो आप क्या लिख सकते हो ए बी ई, ये पूरा एंगल, अब यहाँ ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, अब ये साइड ये है और ये साइड जो है वो ये है, ये साइड, तो ये साइड मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये 80 था और ये 70, यानी ये वाला एंगल मेरा निकल जाएगा 150, ये टोटल एंगल था 150, ये निकल जाएगा मेरा 150। आप एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ये 20 था, ये 10 था, ये 80 था, ये 70 था, तो ये टोटल जो एंगल होगा यानी हम लिख सकते हैं एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए डी सी बाय सी पी सी टी विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। देयर फोर हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी आपका आंसर कितना आया 30 डिग्री, एक्स का वैल्यू 30 डिग्री। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। और कहीं पे भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, अगर कमेंट करेंगे तो हम आपको इसका सॉल्यूशंस का पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर से आपको सॉल्यूशंस मैं दे दूंगा। और अगर बार बार आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, देखने में बहुत आसान लगता है बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप प्री आरएमओ में, आरएमओ में जो रीजनल मैथमेटिक्स और ओलंपियाड्स होता है उस सब में ये सब क्वेश्चन रिलेटेड आता है। ओके, धन्यवाद।